काफी लोग पूछ रहे थे कि मेटा मास्क वॉलेट से विथड्रॉ कैसे किया जाए। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट टाइम में मैंने मेटा मास्क को ओपन किया है, फिर ऊपर है कि इथेरियम मेन नेटवर्क, जिस भी नेटवर्क पर आपका बैलेंस हो उसे आपको यहां से चूज कर लेना है। मैंने इथेरियम मेन नेटवर्क चूज किया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास टीदर यूएसडी $4.75 है, तो इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ से आपको स्वैप की भी फैकल्टी मिल जाती है, स्वैप पे टच कीजिएगा। टच करने के बाद ठीक है, यहाँ से जहाँ पे इथेरियम लिखा है यहाँ पर टच करना है कि किस कॉइन को आपको चेंज करना है। तो हमने यहाँ से यूएसडीटी को चूज किया, फिर किस टोकन में मतलब आपको अमाउंट चूज करना है, तो मैंने यूज मैक्स पर टच किया। ठीक है, पूरा अमाउंट आ गया। फिर लिखा कि सेलेक्ट और टोकन, इस पर टच कीजिएगा। जिस भी टोकन में आपको चेंज करना है वो यहाँ से चूज कर सकते हैं, तो हम इथेरियम चूज करते हैं। चूज करने के बाद लिखा है कि गेट क्यूटोस, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ से फेचिंग क्यूटोस इस प्रकार से शो कर रहा है, इस तरह आपका भी शो करेगा। ठीक है, तो आ गया। यहाँ पर देखिए एस्टिमेटेड गैस फी आपका लगभग $28.35 है। ठीक है, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गैस फी आपका होना चाहिए। वो गैस फी आपका इथेरियम में चार्ज में लगता है। जिस भी नेटवर्क को आप यूज़ करेंगे उसी नेटवर्क में आपको चार्ज लगेगा। मैंने इथेरियम चूज किया है, तो यहाँ पर आपको गैस फी यानी जो चार्ज है वो आपको इथेरियम में देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक, तो मुझे तो मात्र $4.76 ही विड्रॉ करना है। अगर चार्ज ही हम यहाँ पर $26 $28 दे देंगे तो यह मेरे लिए फायदेमंद नहीं होने वाला, तो इसलिए हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो इथेरियम है हमारे पास वो 00 है। तो यहाँ पे अगर आप इथेरियम डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे डिसेंट्रलाइज वैलेट से या किसी इंडियन एक्सचेंज से या किसी फॉरेन कंट्री के एक्सचेंज से आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका स्वैपिंग का। अगर आप इस टीदर यूएसडीटी को विथड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा है सेंड, इस सेंड पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ पे ऊपर होगा फ्रॉम, यानी कहाँ से आप भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस पर चूज कीजिएगा और आप यहाँ से वैलेट चूज कर लीजिएगा किस वैलेट से। ठीक है, तो यहाँ मेरे दो वैलेट हैं तो हम पहले वाले वैलेट को ही चूज कर लेते हैं। फिर है कि टू वाले सेक्शन में जहाँ पे आपको भेजना है उसका एड्रेस डालना है। मान लीजिए आप किसी दूसरे डिसेंट्रलाइज वैलेट पे या इंडियन एक्सचेंज पे या फॉरेन कंट्री के एक्सचेंज भेजना चाहते हैं तो उस एक्सचेंज पे जो भी एड्रेस होगा रिसीविंग वाले में यूएसडीटी का उसको कॉपी करके आपको यहाँ पे डालना है। ठीक, चलिए हम एक एग्जांपल से आपको बता देते हैं। हम अपने बिटगेट एक्सचेंज को ओपन कर लेते हैं। हमने बिटगेट एक्सचेंज को ओपन कर लिया, फिर आप नीचे राइट साइड में लिखा है असेट्स, इस पर आइएगा। आने के बाद फिर स्पॉट पर आइएगा। स्पॉट पर आने के बाद इस प्रकार से आप अगर आपको ना दिखे यूएसडीटी का वैलेट तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, इस पर टच करके जिस भी वैलेट को आप सर्च करना है चाहे जिस भी कॉइन को सर्च करना चाहे आप सर्च कर सकते हैं। तो हमने यूएसडीटी पहले से मेरे पास है तो हम इस पर टच करते हैं। टच करने के बाद लेफ्ट साइड कॉर्नर पर तीन डॉट है, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ पर लिखा है कि डिपॉजिट, इस पर टच कीजिएगा। कोई भी अगर आप डिसेंट्रलाइज वैलेट यूज़ कर रहे हैं ठीक है, चाहे कोई भी एक्सचेंज, तो वहाँ पर आपको डिपॉजिट ही करना होगा किसी अदर वैलेट से अगर आप ले रहे हैं तो। फिर यहाँ पर आपको नेटवर्क चूज करना है तो किस नेटवर्क से आप कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मेटामास्क पे इथेरियम था तो ERC-20। ठीक, यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क बहुत सारे नेटवर्क शो कर देता है, तो हमने ERC-20 यानी इथेरियम को चूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे यह एड्रेस आ गया, इस एड्रेस को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर देखिएगा कि मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पर 0.001 USDT है। तो हर क्वाइन का हर एक्सचेंज पे अपना एक मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट होता है, तो उसको भी डिपॉजिट या विथड्रॉ करते समय जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब हम जाते हैं मेटामास्क में। हम मेटामास्क पे आ गए जहाँ पर टू वाला है, इस पर हम टच करके जो मेरा एड्रेस है उसे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक,
पेस्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे टच कीजिएगा। टच करने के बाद ठीक यहाँ से क्वाइन चूज कीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से यूएसडीटी चूज कर लेते हैं और फिर अमाउंट यहाँ पे चूज कीजिएगा। तो हम यूज मैक्स पर टच करके पूरा अमाउंट चूज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, देखिए मैंने चूज कर लिया। फिर नेक्स्ट पे आप टच कीजिएगा। ठीक, आगे करने के बाद इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी आपको विथड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड गैस भी $8.39 है। ठीक है, यह चार्ज भी आपका इथेरियम में ही होगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी मेटा मास्क पे आपको विथड्रॉ करने के लिए चाहे आप डिसेंट्रलाइज वैलेट पे करें या स्वैपिंग करें या किसी एक्सचेंज पे करें, आपको चार्ज देना होगा। तो हम $4.76 के लिए हम $8.74 क्यों अपना वेस्ट करें। ठीक है, इससे मेरा कुछ फायदा होने वाला है नहीं। ठीक, तो इसलिए हम फिलहाल इसे कैंसिल कर देते हैं। मेरे पास इतना पर्याप्त बैलेंस भी नहीं है, हम वेट कर लेते हैं कि और इसमें कहीं से यूएसडीटी आ जाए जिससे कि मेरा एस्टिमेटेड गैस फी भी कवर हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको विदा करना है और चार्ज का ध्यान रखिएगा। अगर आप इथेरियम नेटवर्क से कर रहे हैं तो आपको इथेरियम में ही चार्ज देना होगा और आपके पास इथेरियम होना भी चाहिए। ठीक, फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल से बताते हैं, फिर हम यहाँ पर नेटवर्क चेंज करते हैं, फिर बीएनबी पे आ जाते हैं। ठीक है, बीएनबी पे मेरा बीएनबी में $3.35 है। ठीक, तो अगर हम इस बीएनबी को विथड्रॉ करना चाहें तो हमने बीएनबी पर टच किया। ठीक, फिर यहाँ पे हम सेंड पे टच करते हैं इस प्रकार से। फिर हम अपने एक्सचेंज पे जाते हैं, हम अपने बिटकॉइन एक्सचेंज पे आ गए। यहाँ से बीएनबी हम सर्च मार लेते हैं। देखिए बीएनबी आ गया, मैंने इस पे टच किया। फिर थ्री डॉट पे टच, फिर डिपॉजिट पे टच। ठीक, फिर यहाँ से नेटवर्क में ये बाइनेंस स्मार्ट चेन ही रहने दीजिएगा। फिर यहाँ से कॉपी कीजिएगा एड्रेस को। फिर यहाँ पे जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो आपका इतना होना चाहिए। ठीक है, 5 शून्य के बाद 1 पॉइंट के बाद 5 शून्य फिर 1। फिर हम आते हैं अपने मेटामास्क। ठीक, हम आ गए अपने मेटामास्क पे। यहाँ पर मैंने जो एड्रेस था मैंने उसे पेस्ट किया, नेक्स्ट पे टच किया। ठीक, यहाँ पे मैं पूरा अपना बीएनबी चूज कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट पे टच, टच करने के बाद इस तरह आपका आ जाएगा। यहाँ पर जो एस्टिमेटेड गैस फी है आपका इतना लगेगा। ठीक, मैक्स फी। फिर यहाँ पर लिख रहा है कि आपको इतना चाहिए ट्रांजेक्शन के लिए बीएनबी, तो मैंने पूरा चूज किया हुआ है तो यहाँ पर इतना और ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको बीएनबी में ही चार्ज देना होगा। मेरे पास यहाँ पर भी पर्याप्त बैलेंस है नहीं, तो अगर आप बीएनबी भी विदा करते हैं तो आपको चार्ज भी बीएनबी में ही देना होगा, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर एक हम आपको सक्सेसफुल विदा करके भी दिखा देते हैं, कहीं आप लोग ना कहें कि हमने आधा अधूरा बताया। तो हम इंडिया नेटवर्क पे आ गए। आने के बाद यहाँ से हम कोर ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर लेते हैं, सॉरी ओपन कर लेते हैं। कोर ब्लॉकचेन में भी मेरा यहाँ पे $1.81 है। ठीक है, तो हमने इस पर टच किया। टच करने के बाद हम सेंड पे टच करते हैं। ठीक, इस प्रकार से अब हम अपने बिटगेट एक्सचेंज को ओपन करते हैं। हमने एक्सचेंज को ओपन कर लिया, फिर यहाँ पे कोड सर्च कर लेते हैं। मैंने कोड सर्च किया। ठीक है, 3 डॉट पे आए, डिपॉजिट पे टच। फिर आपका यहाँ से नेटवर्क ऑटोमेटिकली कोर दाओ यहाँ पे चूज हो गया है। यहाँ से मैं हम एड्रेस जो डिपॉजिट एड्रेस है उसे कॉपी कर लेते हैं। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पर 0.03 कोर है। ठीक, अब हम जाते हैं मेटामास्क में। फिर 2 वाले में जो एड्रेस है कोर ब्लॉकचेन का वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पे टच, टच करने के बाद फिर यूज मैक्स में इस प्रकार से टच कर देते हैं। फिर नेक्स्ट पे टच, टच करने के बाद ठीक है यहाँ पे एस्टिमेटेड गैस भी इतना चार्ज लगेगा, टोटल इतना है।
हम सेंड पे टच करते हैं इस प्रकार से। ठीक फिकर है कि इतना आपको चाहिए, तो हम थोड़ा सा बैक आके जो अमाउंट है इस अमाउंट को हम थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अमाउंट पूरा ना डाल के आपको 1 ही हम चूज कर लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे टच, जिससे कि मेरा जो गैस फी है वो कवर हो जाए। फिर सेंड पे टच, ठीक इस प्रकार से हमने टच कर दिया है। देखिए ट्रांजेक्शन सबमिटेड हो चुका है, वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। ठीक, चलिए अब हम वेट कर लेते हैं कि कब तक आता है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है, देखते हैं कि बिटगेट एक्सचेंज में यह कब तक आता है। A few moments later, मैंने बिटगेट एक्सचेंज को ओपन कर लिया। देखिए कोर वाले में एक कॉइन आ चुका है। विड्रॉ करने का लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर यह मेरा बिटगेट एक्सचेंज पे आ गया। तो इसी प्रकार से आपको मेटामास्क वैलेट से किसी भी एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज वैलेट पे आपको विड्रॉ करना है। उम्मीद है कि अब आप जान चुके हैं कि मेटामास्क वैलेट से विड्रॉ कैसे करना है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो का कमेंट ऑप्शन कमेंट कर सकते हैं। वीडियो जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जो प्रेस कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।